हेलो बच्चों, इंग्लिश विद प्रणव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी बैंकिंग और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बेसिक सा। इंग्लिश से स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों नाउन। नाउन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करना चाहूँगा जो प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी एग्जामिनेशन की, बैंकिंग के एग्जामिनेशन की और डिफेंस के एग्जामिनेशन की या और कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की। यदि आप इन सब की इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इस क्लास में लाऊंगा एसएससी बैंकिंग का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पूरे ग्रामर का टॉपिक और वर्ड पावर भी लाऊंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो तमाम अपने एसएससी बैंकिंग की तैयारी करने वाले दोस्तों को या जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को जरूर ये शेयर करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक से ही स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों नाउन होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अब तक आप लोग याद करते होंगे नाउन का मतलब होता है संज्ञा। मैं आपको आज से बताता हूँ नाउन का मतलब किसी न किसी का नाम होता है। तो मैं एक बता दूं इंग्लिश में, मैं पहले बता दूं, इट इज अ लैटिन वर्ड। याद रखना नाउन एक कैसा वर्ड है प्यारे बच्चों, लैटिन वर्ड है। आप पेन और पेंसिल या पेपर कॉपी ये सब ले लेकर बैठना, आप लिखते भी चलना साथ में, ठीक है। नाउन कैसा वर्ड है बेटा, लैटिन वर्ड है, जिसका इंग्लिश में जो मतलब होता है, इंग्लिश में जो मतलब होता है नाउन का मतलब क्या होता है, नेम, और हिंदी में मतलब क्या होता है, नाम। मतलब जो भी नाम है बच्चा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, मैं अपना नाम देता हूँ, आप अपना नाम सोच लो, तो प्रणव किसी न किसी का क्या है, नाम है। तो नाम है तो क्या हो गया, प्रणव नाउन हो गया। क्लियर है, आप लोग मेरे स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट क्या हो गया, स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन हो गया। सॉरी, लास्ट तक बने रहना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। नाउन से जितने क्वेश्चंस एसएससी बैंकिंग जिस भी प्रकार के पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन हम लोग डील करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, मिल्क तो नाउन है, दूध भी नाउन है, समझ पा रहे हो। कोई पूछेगा पार्लियामेंट क्या है, तो ये संसद है, संसद भवन जो होता है वो नाउन है। तो अब देखो नाउन जो भी नाम है, तुम्हारे चचा का नाम, पापा का नाम, जिस फैन के जस्ट नीचे तुम हो वो फैन, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे उस स्कूल का नाम, नदी का नाम जैसे द गंगा रिवर है ना, द यमुना रिवर, ये सारे नाम क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों, नाउन कहलाते हैं। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है ना, तो एक बार लाइक जरूर करके बताना। अब देखो नाउन तो बहुत प्रकार के होते हैं ना, नाउन तो बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे नाउन को पार्ट बाई पार्ट पढ़ने के लिए नाउन को 5 पार्ट्स में बांटा। कितने पार्ट्स में बांटा प्यारे बच्चों, 5 पार्ट्स में। थोड़े मैं ये इंग्लैंड तरफ जा रहा है ये लाइन, बट मुझे उम्मीद है ये डिजिटल बोर्ड, ये सॉरी पेन टैब पर लिखने में थोड़ा सा ये परेशानी होती है, बट मुझे लगता है समझना आप लोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए रहता था लाइनिंग, ठीक है। मैं फिर भी मैं लाइन मिटाने की कोशिश करता हूँ। नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं बेटा, तो आप समझ सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इसके नेचर के अनुसार से देयर आर, आप लिख सकते हो बेटा देयर आर कितना पार्ट्स, 5 पार्ट्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, 5 प्रकार होते हैं। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप किसी भी क्लास के लिए हो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है वीडियो, लेकिन खास कर ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एसएससी बैंकिंग और अदर कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट। तो प्यारे बच्चों उन तमाम स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। चलिए, तो नाउन के 5 पार्ट्स हैं। पहला नाउन कौन सा होगा प्यारे बच्चों, पहला नाउन होगा प्रोपर नाउन। दूसरा याद रखिएगा, दूसरा होता है कॉमन नाउन। कैसा नाउन प्यारे बच्चों, कॉमन नाउन। तीसरा होता है, याद रखना, तीसरा होता है मेटेरियल नाउन। तीसरा कौन सा नाउन, आप लोग लिखते चलोगे बहुत फायदा करेगा, तीसरा मेटेरियल नाउन। और जो चौथा होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और जो पांचवा होता है वो कलेक्टिव नाउन होता है। कैसा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन। याद रखोगे नाउन कितने प्रकार के, 5 प्रकार के।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब हम लोग हेडिंग दे सकते हैं। पहला कौन सा नाउन प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन। आप लोग सारे बच्चे सबसे पहला हेडिंग आप लोग दे दीजिए, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। अब समझना, नाउन है प्यारे बच्चों तो किसी न किसी का क्या होगा, नाम है। अब नाम में से वैसा नाम जो किसी का कैसा नाम हो, प्रॉपर का मतलब खास नाम हो। अब हम तुमको यहाँ पर प्यारे बच्चों प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को साथ में बताने की कोशिश करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या अंतर है? जैसे कोई बोल दे, समझना, जैसे कोई बोल दे बॉय, तो बॉय में तो सारे आ जाएंगे ना, जितना लड़का है सब आ जाएगा। लेकिन बॉय में कोई एग्जाम्पल पूछ दे बेटा राहुल, तो राहुल क्या हो गया? राहुल किसी का खास नाम हो गया ना, तो प्रॉपर नाउन हो गया। कोई पूछे गर्ल क्या है, तो गर्ल कॉमन नाउन है। लेकिन गर्ल में कर दे अंकिता, तो अंकिता कैसा नाम हो गया, किसी का खास नाम हो गया। प्यारे बच्चों कंट्री कोई बोल दे, कंट्री मतलब देश, तो देश तो बहुत सारा हो सकता है, इंडिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, रसिया हो सकता है, चाइना हो सकता है। लेकिन कंट्री में यदि हम बोले इंडिया, तो इंडिया किसी का खास नाम हो गया देश का, तो इंडिया हो गया कैसा नाउन प्यारे बच्चों? प्रॉपर नाउन हो गया। कोई पूछ दे रिवर कौन सा नाउन है, तो रिवर में तो गंगा नदी, यमुना नदी सब आ सकता है, तो रिवर कॉमन नाउन में। लेकिन रिवर में यदि बोल दे क्या गंगा, तो गंगा कौन सा नाउन में आएगा? प्रॉपर नाउन में। तो आप समझ सकते हो इसके डेफिनेशन में क्या, कि नाम में से वैसे नाम जो किसी का खास नाम हो वो प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। आप लिखने के लिए प्यारे बच्चों लिख सकते हो क्या, अंग्रेजी में लिख सकते हो, द स्पेशल नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग इज कॉल्ड। लिखते चलोगे बेटा बहुत काम देगा आप लोग को। इज कॉल्ड कैसा नाउन? प्रॉपर नाउन। याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूं, किसी का भी स्पेशल, किसी पर्सन का स्पेशल नाम, जैसे अपने पिताजी का स्पेशल, जैसे फादर पूछ दिया तो बेटा फादर में तो सबके पिताजी आएंगे, कॉमन नाउन। लेकिन फादर में आप अपने पापा का नाम सोच लो, जैसे मान लो कि इन्हीं के फादर का नाम संजीव है, जैसे मेरे पिताजी का नाम संजीव कुमार मिश्रा है, तो मैं संजीव लिखता हूँ, तो संजीव कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। सबको समझ में आ रहा है ना? तो किसी का भी स्पेशल नाम, चाहे वो पर्सन हो, जगह का स्पेशल नाउन, जैसे आप बोल सकते हो कि बिहार, तो स्टेट में बिहार, तो बिहार तो हो गया प्रॉपर नाउन में। एनिमल का स्पेशल नाम, थिंग का स्पेशल नाउन कैसा कहलाएगा? प्रॉपर नाउन कहलाएगा। इसके कुछ नोट दे करके आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जानो जो जनरल कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले तो एक बेसिक सा बात जानो, इट इज प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर या जनरली सिंगुलर, आमतौर पर ये सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर मतलब प्यारे बच्चों एक वचन होते हैं। जैसे जैसे बोल रहे हैं क्या गंगा, तो एक ही नदी का नाम है ना, इंडिया तो एक ही नदी का नाम है। इंडियाज नहीं देखे होगे तुम लोग, अंगिताज नहीं देखे होगे, राहुल्स नहीं देखे होगे, ये सिंगुलर होते हैं। तो सिंगुलर होते हैं तो सिंगुलर वर्ब भी लेंगे। दूसरा दूसरा रूल, इट्स फर्स्ट लेटर, अच्छे से समझना, इट्स फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। इसका पहला लेटर जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो कैसा लेटर होता है? कैपिटल। जैसे तुम ऐसे लिख सकते हो कि आई एम राहुल कुमार, क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है आपको? आई एम राहुल कुमार। राहुल किसी का बेटा कैसा नाम है, खास नाम है। और प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होना चाहिए प्यारे बच्चों, वो कैसा लेटर होना चाहिए? कैपिटल। तो ये सेंटेंस गलत होगा, सही क्या होगा? आई एम राहुल कुमार में आर कैपिटल लेटर देना प्यारे बच्चों सही होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन किसी का भी खास नाम कैपिटल लेटर होता है। यहां तक क्लियर है? चलिए अगला रूल हम लोग चलते हैं, लास्ट तक बने रहना प्यारे बच्चों। और एसएससी बैंकिंग और अदर कंपटीशन का एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे, आपके लिए रामबाण है क्लास, बहुत 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 काम देगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। चलिए इसी से एक जनरल कंपटीशन का एक हम क्वेश्चन देते हैं। पहले लिखिएगा, बेसिकली आमतौर पर है ना, बेसिकली CALLY लिखो बेटा, BASICALLY। बेसिकली
नो आर्टिकल इज यूज्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर बिफोर एनी प्रोपर नाउन। किसी भी प्रोपर नाउन के पहले आमतौर पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल कितने होते हैं बेटा? ए, एन और द। इसका प्रयोग आमतौर पर, मतलब हर जगह नहीं, मैक्सिमम जगह आर्टिकल का प्रयोग तो नहीं होता है। ऐसे में आर्टिकल दे देगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत होगा। एक बैंकिंग का क्वेश्चन है, जरा नोट कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। द ग्रेट पोएट, आपको कॉमन एरर ढूंढना है बेटा, ध्यान से सुनना। द ग्रेट पोएट एंड नॉवेलिस्ट, एन अ स्मॉल लेटर देते हैं, द ग्रेट पोएट एंड नॉवेलिस्ट, नॉवेलिस्ट ठीक है, ऑब्लिक देते हैं, द शेक्सपियर, क्वेश्चन लिखते चलना बेटा, बहुत काम देगा। शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी, एनी यूनिवर्सिटी एडुकेशन, एनी यूनिवर्सिटी एडुकेशन। इसमें आप लोग का ये अलाहाबाद बैंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो आप बताइए इसमें एरर कहाँ है। और ये स्लैश का सबसे पहला पार्ट ए हो गया, ए पार्ट में एरर लग रहा है, या इस स्लैश का ये पार्ट बी हो गया, ये तीसरे स्लैश का ये पार्ट सी हो गया, या ये पार्ट पूरा डी हो गया। तो आपको ऑप्शन नंबर ए में एरर नजर आ रहा है। एरर का मतलब प्यारे बच्चों, एरर फाइंड आउट करना मतलब गलती कहाँ नजर आ रहा है, बी में गलती नजर आ रहा है, सी में या डी में। तो इस रूल के अनुसार क्या बताया बेटा कि आमतौर पर किसी का भी प्रोपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। नो आर्टिकल मतलब आर्टिकल नहीं लगता है। तो विलियम शेक्सपियर किसी का क्या नाम है बेटा? खास नाम है ना विलियम शेक्सपियर, जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो खास नाम के पहले आर्टिकल क्यों लगाया? यहाँ पर आर्टिकल का द का प्रयोग बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर में कौन सा एरर ढूंढ करके आओगे बेटा? बी में एरर है। चलिए अगला रूल बताते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, कि बेसिकली या जनरली, GENERALLY लिखेगा, जनरली है ना, जनरली आर्टिकल, नो आर्टिकल इज यूज्ड, लिखोगे बेटा, जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एनी प्रोपर नाउन। हालांकि पहला वाला लाइन ही रिपीट हो रहा है, बट ये लाइन थोड़ा अलग जाएगा। आमतौर पर तो नहीं लगता है, बट टू प्रेज एनी वन, किसी की क्या करे बेटा? प्रशंसा करे। बट टू प्रेज एनी वन वी यूज द बिफोर द प्रोपर नाउन। इसको समझना होगा अच्छे से कि कभी कभी किसी प्रोपर नाउन का यूज करके बेटा किसी का हम क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं। किसी का क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं। तो ऐसे में जिस बड़े नाम के साथ उसका बड़ाई कर रहे, तो उस बड़े नाम के पहले किसका प्रयोग होगा? प्रोपर नाउन, ये द का प्रयोग होगा। और द क्या है? आर्टिकल है। अब एग्जाम्पल के तौर पर अच्छे से समझना, मैं कलर थोड़ा चेंज करके लिखने की कोशिश करता हूँ, समझना। मैं दो एग्जाम्पल बेटा, आमतौर पर ये एक क्वेश्चन भी दिया गया है, लिखना अच्छे से है ना, या फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। सचिन इज कॉल्ड ब्रैडमैन, ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के महान क्रिकेटर हुए, आपको पता होना चाहिए, ब्रैडमैन ऑफ इंडिया। सचिन को भारत का ब्रैडमैन कहा जाता है। क्या ये सेंटेंस सही है प्यारे बच्चों? गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सचिन का बड़ाई कर रहे हैं किसका नाम लेकर के? ब्रैडमैन का नाम लेकर के। तो जब किसी खास नाम का यूज करके किसी का बड़ाई करें, तो उस खास नाम के पहले क्या देना सही रहेगा? दा देना सही रहेगा। तो आंसर सही क्या हो गया प्यारे बच्चों? सचिन इज कॉल्ड, सचिन को कहा जाता है द ब्रैड मैन ऑफ इंडिया। सचिन को भारत का क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? ब्रैड मैन ऑफ इंडिया। तो ब्रैड मैन के पहले क्या लग जाएगा? द लग जाएगा।
यहाँ तक आप लोगों को यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर, और उन तमाम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, उन तमाम स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए जो एसएससी बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है कि मुझे समझाने का तरीका मालूम है, तो प्यारे बच्चों हर एक स्टूडेंट के पास ये पहुँचना चाहिए ताकि उनका एग्जामिनेशन भी आसानी से क्लियर हो सके। एक तो ये रूल हो गया कि आमतौर पर आर्टिकल कौन सा दा का प्रयोग करते हैं जब किसी का पढ़ाई करें, लेकिन इसके जस्ट उल्टा एक रूल पता है क्या है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके जस्ट उल्टा एक रूल क्या है कि आर्टिकल दा का प्रयोग तो पढ़ाई करने के लिए होता है, लेकिन बट आर्टिकल लिखना अच्छे से, आर्टिकल ए ऑब्लिक एन, लेकिन ए और एन का प्रयोग, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड टू मेक फन ऑफ एनीवन, लेकिन किसी का मेक फन मतलब किसी का मजाक उड़ाने के लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए और एन का प्रयोग होता है। कौन सा आर्टिकल का प्रयोग होता है प्यारे बच्चों, ए और एन का प्रयोग। सीपीयू का एक क्वेश्चन है, एसएससी सीपीयू में पूछा गया है, नोट कर लो, एवरी गर्ल ऑब्लिक है थिंक्स हर सेल्फ, इसमें एरर आप लोग को चुनना है, मजाक उड़ाया जा रहा है तो उस प्रॉपर नाउन के पहले ए और एन लग जाएगा। एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा अपने आप को सब लड़कियां क्या समझती है, प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, ऑफ हर एरिया। ये सीपीओ का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किसका क्वेश्चन है, सीपीओ का। हर लड़की अपने आप को अपने एरिया का प्रियंका चोपड़ा समझती है। अब सब लड़की प्रियंका चोपड़ा तो हो नहीं सकते प्यारे बच्चों, समझ पा रहे हो, सब लड़की प्रियंका चोपड़ा तो नहीं हो सकती है। ऐसे में इस प्रियंका चोपड़ा का नाम का यूज करके सारी लड़कियों का हम क्या कर दिए, मजाक उड़ा दिए, किसी का मेक फन ऑफ कर दिए। तो जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो जिस नाम का को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है उसके पहले ए और एन, तो प्रियंका के साथ क्या लग जाएगा, ए। तो इसका सही आंसर होगा एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ आप प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में एरर था, प्रियंका के पहले क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना यहाँ तक यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो ये था बेसिक प्रॉपर नाउन का, जहां तक आप समझ चुके हैं। अब हम लोग प्यारे बच्चों हेडिंग देते हैं, प्रॉपर नाउन के बाद कौन सा नाउन आता है, कॉमन नाउन। तो प्यारे बच्चों हेडिंग दो कॉमन नाउन, कॉमन नाउन मैं लिख लिख कर आराम आराम से बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसा नहीं हूँ कि अंडरलाइन करा रहा हूँ, तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। हेडिंग दीजिए कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। तो मैं, मुझे समझ में आ रहा है कि एक बार यदि प्रॉपर नाउन समझा दिए होंगे तो कॉमन नाउन भी समझ में आ जाएगा। कॉमन नाउन किसको बोलेंगे, नाम है तो किसी न किसी का क्या होगा प्यारे बच्चों, नाम होगा। और कॉमन मतलब जो सब में आते हैं, मैथ्स पढ़ते हो, जैसे मेरा कहने का मतलब है क्या कि 2x + 4x = 6 है, तो इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, जहां तक मेरा नॉलेज कहता है 2x कॉमन है तो 1 + 2 होना चाहिए, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, ये वाला रूल फॉलो होगा, क्योंकि दोनों में 2x पाया जा रहा है, क्या पाया जा रहा है, दोनों में 2x पाया जा रहा है। अब कहने का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, समझना, ऐसा नाम जिससे पूरे जाति का बोध हो, ऐसा नाम जिससे उसके पूरे जाति का बोध हो, मतलब द नाउन विच शोज, द नाउन विच शोज द इंटायर कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, द नाउन विच शोज द इंटायर कम्युनिटी इज कॉल्ड कैसा नाउन, कॉमन नाउन। ऐसा नाउन जो पूरे कम्युनिटी को बताए उसे कैसा नाउन कहते हैं प्यारे बच्चों, कॉमन नाउन कहते हैं। कैसा नाउन कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे बहुत सिंपल सिंपल मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं स्टूडेंट बोलूँ, क्या बोलूँ, अ स्टूडेंट, तो अ स्टूडेंट में तो सब आ जाएगा ना, आप भी आ जाओगे, आपके दोस्त भी पढ़ रहे हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन आप अपना नाम सोच लो तो वो तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, समझ पा रहे हो ना। जैसे मैं कंट्री बोलता हूँ, कंट्री देश, तो देश में तो इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, अमेरिका, इंग्लैंड सब आ जाएगा, लेकिन कंट्री में बोले इंडिया तो इंडिया प्रॉपर हो जाएगा, तो कंट्री कॉमन नाउन में। रिवर नदी, नदी में तो सब नदी आ गया, गंगा नदी, यमुना नदी, तो ये कॉमन नाउन में आएगा।
हम बात करते हैं विलेज का, तो विलेज में तो मेरा भी गांव है, आपका भी गांव है, तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, जिससे पूरे उसके जाति का बोध हो जाए। उसे कैसा नाउन कहते हैं प्यारे बच्चों? कॉमन नाउन कहते हैं। अच्छा एक चीज गौर किया है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता था, जैसे हमने सचिन्स नहीं देखा, समझ पा रहे हो? लेकिन ये जो है ना, ये क्या कॉमन नाउन, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। जैसे देखना एक एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने एक स्टूडेंट को देखा, आई सॉ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों स्टूडेंट कॉमन नाउन में यहाँ पर सिंगुलर है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन यदि मैं बोलूँ मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा, तो आई सॉ सम, कुछ स्टूडेंट मतलब एक से अधिक को देखा, तो आई सॉ सम स्टूडेंट होगा या स्टूडेंट्स होगा? स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है। कंट्री देखे हो तो कंट्रीज भी देखे होगे, रिवर देखे हो तो रिवर्स का भी प्रयोग देखे होगे, विलेजेस सुने हो तो विलेजेस भी सुने होगे। इसका मतलब प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो रूल निकल कर आ रहा है किसका? कॉमन नाउन का, वो ये निकल कर आ रहा है प्यारे बच्चों कि इट कैन बी बोथ, ये दोनों हो सकते हैं, क्या क्या? सिंगुलर एंड प्लूरल। इट कैन बी बोथ क्या बेटा? सिंगुलर एंड प्लूरल। इट कैन बी बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। अच्छा इसके साथ आर्टिकल लग सकता है, आमतौर पर इसके साथ आर्टिकल लगता है, लेकिन जब वो सिंगुलर हो, ये भी नोट पहले करो, व्हेन इट इज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल। इट टेक्स क्या? आर्टिकल। आर्टिकल में कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चों? तीन होते हैं, ए एन द। लेकिन जब ये क्या हो जाए? प्लूरल हो जाए, इसके जस्ट उल्टा, व्हेन इट इज सिंगुलर इट टेक्स आर्टिकल, बट व्हेन इट इज प्लूरल, लेकिन जब ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड, तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। अब बोलिएगा सर कैसे? तो यहीं पर देखो ना, आई सॉ अ स्टूडेंट लग गया, आर्टिकल ए लग गया जब सिंगुलर था तो, लेकिन यहां पर लगता आई सॉ अ स्टूडेंट्स? बिल्कुल नहीं, समझ पा रहे हो? तो आमतौर पर प्लूरल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसका तीसरा रूल और भी मजेदार है, इसका तीसरा रूल और भी मजेदार है। वो रूल क्या है कि बट आमतौर पर द का प्रयोग नहीं लगता है, लेकिन व्हेन एनी कॉमन नाउन इज स्पेशल, जब उस कॉमन नाउन को क्या बना दिया जाए बेटा? खास बना दिया जाए, स्पेशल बना दिया जाए, तो इट टेक्स द, तो अपने पहले क्या लेगा? द, चाहे वो कॉमन नाउन सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या होना चाहिए? अच्छा द का तो एक खास ही रूल है बेटा, वो द का रूल क्या है कि कोई भी नाउन यदि वो खास हो, क्या हो? खास हो, स्पेशल हो, तो अपने साथ द का प्रयोग तो लेगा ही लेगा। अपने साथ किसका प्रयोग लेगा प्यारे बच्चों? द का प्रयोग लेगा। अब एक कैट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप इसको बनाने की कोशिश करना, मैं लिखता हूं, एरर पहचानना। वी पुपिल्स ऑफ, शिष्य होगा, वी पुपिल्स ऑफ दिस कॉलेज, लिखते चलना बेटा क्वेश्चन, प्लीज सारे बच्चे लिखते चलना बेटा, प्लीज रिक्वेस्ट है। वी पुपिल्स ऑफ दिस कॉलेज, ऑब्लिक देना, फिर लिखना हैविंग हैविंग प्रिपेयर्ड हैविंग प्रिपेयर्ड वेल हैविंग प्रिपेयर्ड वेल टू अपीयर, लिखते चलो क्वेश्चन पहले उसके बाद बनाना, टू अपीयर इन द टेस्ट, टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज, इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज आर गोइंग टू बड़ौदा, बड़ौदा। ये कैट का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसमें आपको एरर चुनना है। क्या चुनना है? एरर मतलब सेंटेंस में गलती कहां पर है। तो ये रूल बताए थे ना कि कोई भी कॉमन नाउन, इट हम किसके लिए देते हैं? कॉमन नाउन क्या हो जाए? स्पेशल हो जाए, तो उसके पहले क्या लगेगा? द। तो हम लोग इस कॉलेज के शिष्य, तो सारे शिष्य या इस कॉलेज के शिष्य, तो इस कॉलेज के शिष्य जब खास हो गया प्यारा बच्चा, तो यहाँ पर हमको लगता है कुछ छूटा हुआ है, और आप ही बताओ क्या छूटा हुआ लग रहा है?
एक कॉन्स्टिट्यूशन या प्रियम्बल में आप लोग बचपन में याद किए होंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू अ सोवरेन सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऐसा कुछ पढ़े थे। तो वी द पीपल, वी द पीपल्स, तो द का प्रयोग यहाँ होना जरूरी है। पता नहीं समझ पा रहे हो या नहीं, एक बार ना लाइक और शेयर करके जरूर बताना। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारा बच्चा, बहुत मेहनत लगता है। मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल में, हाई स्कूल में टीचर हूँ प्लस टू तक, और ऐसे में टाइम निकाल करके आप लोग के लिए पढ़ा रहे हैं बेटा, तो आप समझ सकते हो कि मेहनत लगती है और ईमानदारी से आप लोग के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड टीचर हूँ, बीपीएससी के थ्रू आया हूँ, तो आप समझ सकते हैं ईमानदारी से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और मैं चूंकि सेलेक्ट हुआ हूँ तो आपको भी सिलेक्शन दिलवा कर ही रहूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर द होगा क्योंकि कोई भी पुपिल कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन को खास बनाते हैं तो द का प्रयोग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चा? यहाँ तक सबको समझ में आया है ना? चलिए, यहाँ तक समझ में आया है तो अब हेडिंग दे दीजिए। कॉमन नाउन हम लोग खत्म कर लिए, अब हेडिंग आराम से खुशी खुशी दीजिए मटेरियल नाउन। तीसरा कौन सा नाउन होता है? मटेरियल नाउन। हेडिंग दे दीजिए प्यारे बच्चों मटेरियल नाउन, हेडिंग दीजिए मटेरियल नाउन। देखो मटेरियल नाउन क्या होता है? नाउन है तो किसी ना किसी का क्या होगा, नाम होगा, और मटेरियल में एक वर्ड छुपा हुआ है प्यारा बच्चा, और वो है मैटर। और मैटर क्या होता है? मैटर वस्तु को बोलते हैं, और वस्तु को हम क्या क्या कर सकते हैं? वस्तु को नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, बोलो हाँ या ना? नाप सकते हैं या तौल सकते हैं वस्तु को? क्या हम वस्तु को गिन सकते हैं? क्या नहीं? तो इसका दो कंडीशन होता है मटेरियल नाउन का। कितना कंडीशन होता है प्यारे बच्चों? दो कंडीशन होता है। पहला कि इसको नापा या तौला जाए, मटेरियल नाउन को क्या किया जाए बेटा? नापा या तौला जाए। और दूसरा, मटेरियल नाउन को क्या हम लोग कर नहीं कर सके? गिन नहीं सकते हैं। नापा या तौला जाएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं जैसे समझना। राइस मतलब चावल, राइस को गिन सकते हो क्या? राइस को गिन सकते हो क्या? नहीं। लेकिन नाप तौल सकते हो या नहीं? तो नाप तौल सकते हैं। फिर एग्जाम्पल देते हैं वाटर, पानी को नाप तौल सकते हैं क्या? 1 लीटर 2 लीटर? हाँ। गिन सकते हैं क्या? नहीं। गिन सकते हैं क्या? नहीं। समझ में आ रहा है ना? और एग्जाम्पल देते हैं प्यारे बच्चों मिल्क, मिल्क मतलब दूध, दूध को नाप तौल सकते हैं? 1 लीटर दूध 2 लीटर दूध, इसको गिन सकते हैं क्या मिल्क को? 4 दूध 5 दूध? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार सोना चांदी, गोल्ड, गोल्ड को नाप या तौल सकते हैं? 1 भर 1 ग्राम, लेकिन इसको हम लोग बेटा गिन नहीं सकते हैं। तो नाम में से ऐसे नाम जो वस्तु को इंडिकेट करे, जिसको नाप या तौल तो सके लेकिन गिन ना सके, उसको हम लोग कैसा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। तो कुछ बातें तो ऑटोमेटिक आप लोग को समझ में आ रहा होगा प्यारा बच्चा, पता है क्या? और सबसे पहला बात तो यही समझ में आ रहा होगा कि ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, एक वचन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको जब गिनोगे ही नहीं तो कभी भी दो तीन चार होगा नहीं, तो कभी भी प्लूरल होगा ही नहीं। कभी वाटर्स नहीं सुना होगा, मिल्क्स नहीं सुना होगा, गोल्ड्स नहीं सुना होगा। और जब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। वाटर इज लाइफ या आर लाइफ? इज लाइफ। मिल्क इज रिक्वायर्ड या आर रिक्वायर्ड? मिल्क इज रिक्वायर्ड। गोल्ड इज प्रेसियस या आर प्रेसियस? इज प्रेसियस होगा, कीमती होता है। बोलिए यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आमतौर पर बेटा आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता है, जैसे जल ही जीवन है तो वाटर इज लाइफ होगा या द वाटर इज लाइफ होगा? वाटर इज लाइफ होगा। समझ पा रहे हो? तो अगला रूल में यहाँ पर नोट कर लो, रूल में, मटेरियल नाउन के रूल में नोट कीजिएगा बेटा। सबसे पहला रूल कि जनरली, जनरली मतलब प्रायः, वी डोंट यूज, हम लोग यूज नहीं करते हैं एनी आर्टिकल बिफोर अ मैटेरियल नाउन। कोई भी मैटेरियल नाउन के पहले प्यारे बच्चों आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर जल ही जीवन है, ए वाटर इज लाइफ या वाटर इज लाइफ? आप ही बताओ, ए वाटर इज लाइफ या वाटर इज लाइफ? बिल्कुल वाटर इज लाइफ होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन दिया गया था बैंक ऑफ इंडिया में ही, सरकारी बैंक का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बैंक ऑफ इंडिया का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बनाकर दिखाइए, एरर चुनना है।
एरर मतलब गलती कहाँ है, लिखिएगा, क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। द मिल्क इज स्लैश अ वाइटल, द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स, द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी, द मिल्क इज अ वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के लिए दूध वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, एनर्जी का बहुत ही प्रमुख स्रोत होता है क्या, मिल्क। अच्छा तो मिल्क तो ऐसे भी वाइटल सोर्स होता है, और ये क्या है, कॉमन नॉन, सॉरी मटेरियल नॉन है, तो मटेरियल नॉन के साथ आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो भाई मुझे लगता है द का प्रयोग यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए में एरर माना है। कोई दिक्कत है? अब देखो रूल नंबर नेक्स्ट क्या कहा है वो अच्छे से समझना। मैंने क्या वो क्या बोला, आमतौर पर कोई भी मैटेरियल नॉन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन जब हम उस मैटेरियल नॉन को खास बना दें, तो आपको तो पता है कि द का प्रयोग कोई भी खास नाम के साथ लग जाएगा, चाहे वो कोई भी नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिख लो ये रूल प्यारे बच्चा, व्हेन वी मेक एनी कॉमन नाउन, एनी मटेरियल नाउन, जब हम लोग किसी भी मटेरियल नाउन को क्या बनाते हैं, अ स्पेशल, बट व्हेन वी मेक एनी मटेरियल नाउन क्या, अ स्पेशल, इट टेक्स कॉमा, इट टेक्स द, और अ स्पेशल बना देना मटेरियल नाउन को तो द लेगा। जैसे देखो जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ, कोई आर्टिकल लगा नहीं, लेकिन गंगा नदी का जल शुद्ध होता है, तो वाटर ऑफ द गंगा रिवर इज प्योर होना चाहिए, या द वाटर ऑफ द गंगा रिवर, द वाटर ऑफ द गंगा रिवर इज प्योर, क्या होना चाहिए प्यारा बच्चा तुम ही बताओ। तो होना चाहिए द वाटर ऑफ द गंगा रिवर इज प्योर, सारा पानी शुद्ध नहीं है, गंगा नदी का पानी शुद्ध है, तो हम पानी में भी गंगा नदी का पानी, तो उस पानी को क्या बना दिए, खास। तो जब ये खास वो बन जाता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर क्या लगता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग। ये भी ओवरसीज बैंक कहीं क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सारे बच्चों तक करना बेटा, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए अब अगला आप लोग एकदम खुशी खुशी हेडिंग दे दीजिए बेटा, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, है ना, हेडिंग दे दीजिएगा अब्स्ट्रैक्ट नॉन, हेडिंग दे दीजिएगा कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे, ठीक है। देखो नाउन है तो किसी न किसी का क्या होगा, नाम होगा, और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब भाव होता है, तो इसका भी दो कंडीशन है, कितना कंडीशन है प्यारे बच्चों, दो कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर वन क्या है इसका, समझना अच्छे से, भाव को सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन है इसे देखा या छुआ, मैं हिंदी लिख रहा हूं, ना जा सके, मतलब कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सके, बट इसको केवल क्या किया जाए बेटा, महसूस किया जाए, केवल क्या किया जाए, हिंदी मेरी थोड़ी है ना कमजोर है बेटा, केवल क्या किया जाए, महसूस किया जाए, कैन बी फेल्ट ओनली, उसको क्या किया जाए बेटा, महसूस किया जाए। अब हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, लव प्यार, प्यार को देखे हो, छुए हो, बिल्कुल नहीं, महसूस किए हो, मम्मी पापा प्यार करते हैं, दोस्त प्यार करता है ना, वैसे हम लोग प्यार का दायरा बहुत छोटा कर लिए है ना, क्या किए हैं, लड़का लड़की का प्यार, ये तुच्छ सा प्यार है, प्यार वो है बेटा जो आपके मम्मी पापा आपसे करते हैं, प्यार वो है जो आपके भाई आपसे करते हैं, प्यार वो है जो आप अपने मम्मी पापा या अपने फैमिली से करते हो, वो एकदम सेल्फलेस प्यार है, आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हो बिल्कुल, और वो ऐसा लव है जिसे आपने देखा छुआ नहीं है, लेकिन केवल क्या किया है, महसूस किया है। उसी प्रकार हेट भी, नफरत भी, देखे छुए नहीं है हम लोग, लेकिन उसको महसूस तो करते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एंगर, गुस्सा, देखे या छुए तो नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं। उसी प्रकार हैप्पीनेस, खुशी,
देखे या छुए नहीं है लेकिन क्या किए हैं, महसूस किए हैं। उसी प्रकार सैडनेस, देखे या छुए नहीं है दुखी लेकिन हम लोग महसूस किए हैं। बोलो यहां तक सबको समझ में आ रहा है ना। चलिए अब समझना है क्या कि जब इसको देखेंगे छुएंगे नहीं तो मतलब गिन भी नहीं सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा रूल निकल कर आ रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छा रूल निकल कर आ रहा है। स्टार देकर आप लोग नोट करना बेटा आगे। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई पूछे तो आप लोग कैसे जवाब दोगे, तो बोलना एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे बोलते हैं जिसे क्या किया जाए बेटा, देखा या छुआ ना जाए, केवल और केवल सिर्फ क्या किया जाए बेटा, महसूस किया जाए। जैसे लव हो गया, हेट हो गया, ठीक है ना। अब चलिए नोट वन में N1 तुम लोग कर सकते हो, या नोट में सबसे पहला क्या लिख सकते हो, इट इज सिंगुलर। ये हमेशा क्या होते हैं, इट इज सिंगुलर एंड विल टेक, यह सिंगुलर होते हैं एंड विल टेक और लेते हैं, कैसा वर्ब बेटा, सिंगुलर वर्ब। इट इज सिंगुलर एंड विल टेक कैसा वर्ब, सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर होते हैं और कैसा वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अब आप ही बताना बेटा, ठीक है ना। एंगर जो होता है, नफरत जो होता है, इज ऑब्लिक आर, वो बहुत विध्वंसकारी होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है। तो बताना बेटा एंगर इज डिस्ट्रक्टिव होगा या आर डिस्ट्रक्टिव होगा, इज डिस्ट्रक्टिव होगा। प्यार अंधा होता है, तो बताना लव इज ऑब्लिक आर ब्लाइंड, तो लव इज ब्लाइंड होगा या आर ब्लाइंड होगा, लव इज ब्लाइंड हो जाएगा। हाँ आमतौर पर कोई आर्टिकल भी नहीं लगता, ए लव इज ब्लाइंड या एन एंगर इज ब्लाइंड नहीं लगता है, लेकिन जब हम इसको क्या बना दे बेटा, खास बना दे, तो आर्टिकल लगने लगेगा। सबसे पहले तो नोट टू में लिखोगे क्या कि नो आर्टिकल इज यूज्ड, बेसिकली नो आर्टिकल इज यूज्ड, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। अब एक क्वेश्चन देते हैं कॉमन एरर का कि इसमें यदि आर्टिकल यूज कर दिया है तो आप लोग गलत कर देना, क्या, तो नोट करो द ब्रेवरी। ये बेटा ये भी बैंक का क्वेश्चन है, लिखो द ब्रेवरी इज द ब्रेवरी इज द, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा जनरल कंपटीशन का, तो ये वीडियो जनरल कंपटीशन के सारे स्टूडेंट्स तक शेयर होना चाहिए। लिखो द ब्रेवरी इज द बून ऑफ गॉड, जी हमेशा कैपिटल होता है गॉड में, एंड इट इज नॉट, एंड इट इज नॉट एंजॉयड बाई क्रेवन। इसका मतलब समझना, साहस जो होता है ना, ये भगवान का दिया हुआ वरदान होता है, एंड इट इज नॉट एंजॉयड बाई क्रेवन, और ये कोई डरपोक आदमी इसको एंजॉय नहीं करता है। तो ब्रेवरी तो नॉर्मल ब्रेवरी की बात हो रही है, तो उसके साथ भाई ये भाववाचक संज्ञा है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, नो आर्टिकल यूज यूज, तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर नजर आ रहा है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन फिर बता दें कि जब इसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बना दिया जाए, खास बना दिया जाए, लिखना बट वेन इट इज मेड अ स्पेशल, लेकिन जब इसको क्या बना दिया जाए, खास बना दिया जाए, बट वेन इट इज मेड क्या बेटा, अ स्पेशल इट टेक्स द, तो अपने साथ क्या लेने लगता है बेटा, अपने साथ कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करता है, द का प्रयोग करता है एग्जाम्पल में। और आज का क्लास हम इतना ही तक रखेंगे, पहले ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन बना लेना, इसको स्पेशल बनाते हैं कैसे, सब का ब्रेवरी नहीं, जॉन का ब्रेवरी। मान लो जॉन कोई बंदा है, उसका साहस बहुत फेमस है, तो हम लिखते हैं एग्जाम्पल क्वेश्चन बना लेना द ब्रेवरी ऑफ जॉन JOHN इज फेमस। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, एरर चुनने की जरूरत नहीं है, जॉन का ब्रेवरी फेमस है। सब का ब्रेवरी फेमस नहीं होता, ब्रेव तो आप भी होते हम भी होते, ब्रेवरी हम लोग का फेमस नहीं है, लेकिन जॉन का ब्रेवरी फेमस है, तो द ब्रेवरी ऑफ जॉन इज फेमस, तो यहाँ पर द लग गया। क्यों, क्योंकि सब का ब्रेवरी नहीं, जॉन का ब्रेवरी, तो वो खास ब्रेवरी की बात करें तो द लगता है। एक चीज तो पता चल रहा है ना बेटा आप लोग को कि द आर्टिकल का प्रयोग किसी भी नाउन के साथ लगता है, लेकिन वो नाउन क्या होना चाहिए, अपने आप में खास होना चाहिए। बोलता मैं VIP हूँ, स्पेशल पर्सन को ही अपने साथ रखता हूँ, तो जो भी नाउन खास है बेटा वो अपने साथ क्या लेता है, द लेता है।
तो आज का क्लास इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो और आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट आप लोगों से कर रहा हूँ बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स SSC बैंकिंग और जनरल कंपटीशन का तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास पहुँचने चाहिए। उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहो, क्योंकि मैं अब लगातार आप सभी के लिए ग्रामर का वीडियो और जनरल कंपटीशन के लिए कॉम्पिटिटिव क्लास मैं लगातार लाता रहूंगा, वर्ड पावर की भी, और ऐसे लगातार मैं लेक्चर अपलोड करता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।